मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित है, दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते? नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकता हो, बूढ़े मां बाप बेटा कुछ कमाई करके लाए उसकी आशा में बैठे हो, लेकिन उस नौजवान को भी भरोसा नहीं है कि मेहनत करने का इरादा होने के बावजूद भी वो अपने मां बाप का पेट भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार बैठे। लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था, वादा किया था, वादा निभाया। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उसको वापस करें। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे। देश ने सुना है, और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का होकर दिखाएंगे। 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, दिखना देश ये कह गया। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि निभाने हैं उनके एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7-10 मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर आ सकते हैं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई मान लिया नसीब वाला है,
लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचाना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। वो हर 3 महीने से बयान देते थे बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे। इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे। ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना, भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। यही तो कारण है भरोसा टूट गया। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.